हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू नॉलेज हब। मेरा नाम है राजेंद्र मालवी। आज हम बात करने वाले हैं स्टडी से संबंधित चीज़ों के बारे में। तमिल में हम सीखेंगे कि स्टडी से रिलेटेड वर्ड्स को हम तमिल में क्या बोलते हैं। पहला स्टडी, स्टडी को हम बोलते हैं पढ़िप। स्टडी मतलब क्या होता है? पढ़िप, पढ़ना। पढ़ना होता तो हम क्या बोलते हैं? स्टडी या पढ़िप। नेक्स्ट है डू यू लाइक द बुक। क्या आपको ये बुक पसंद है? डू यू लाइक द बुक। तो हम कैसे बोलेंगे डू यू लाइक द बुक? उंगलक्कु इन द बुक पिदिचुरक्कु। उंगलक्कु इन द बुक पिदिचुरक्कु। उंगलक्कु मतलब होता है आपको, इन द मतलब यह है, बुक मतलब बुक, पिदिचुरक्क का मतलब पसंद है। उंगलक्कु इन द बुक पिदिचुरक्क। क्या आपको यह बुक पसंद है? ठीक है ना। तो हम बोलते हैं यस आई लाइक इट। हाँ मुझे यह पसंद है, यस आई लाइक इट। तो आमाम इनक्कु पिदिचुरक्क। आमाम मतलब हाँ, इनक्कु मुझे, पिदिचुरक्क पसंद है। आमाम हाँ, इनक्कु मुझे पिदिचुरक्क पसंद है, मुझे यह पसंद है। इट इज़ इंटरेस्टिंग। यह क्या है? बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इट इज़ इंटरेस्टिंग तो हम बोलते हैं इदु रोम्बा इंटरेस्टिंग इरुक्क। इदु रोम्बा इंटरेस्टिंग इरुक्क। इदु मतलब होता है यह है, रोम्बा मतलब बहुत अधिक, इंटरेस्टिंग मतलब इंटरेस्टिंग, इरुक्क है क्या है? इदु रोम्बा इंटरेस्टिंग इरुक्क। यह है इदु मतलब यह है, रोम्बा मतलब अधिक, इंटरेस्टिंग मतलब इंटरेस्टिंग, और इरुक्क मतलब है यह बहुत अधिक इंटरेस्टिंग है। इट इज़ बोरिंग। कभी कभी लगता है ना कि बुक क्या है, बोरिंग है, तो हम बोलते हैं इट इज़ बोरिंग। तो हम बोलते हैं इदु रोम्बा बोर अधिकद। इदु रोम्बा बोर अधिकद। इदु मतलब होता है यह है, रोम्बा मतलब अधिक, बोर मतलब बोर करने वाली, अधिकद अत्यधिक, यह अत्यधिक बोर करने वाली है या अत्यधिक बोरिंग है। तो इस प्रकार से हम तमिल में क्या करते हैं, स्टडी से संबंधित चीज़ों को वर्ड्स को समझते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आज की वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।